नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको तेलंगाना के हैदराबाद में बने एक पुल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि किसी नदी पर नहीं बल्कि एक झील पर बना हुआ है। ये ब्रिज जुबली हिल्स में दुर्गम चेरुवु झील के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इस ब्रिज का नाम दुर्गम चेरुवु ब्रिज है। ये ब्रिज एक केबल स्टेड ब्रिज है। ये ब्रिज 6 लेन का बना हुआ है। इस ब्रिज के दोनों साइड में 1.8 मीटर का फुटपाथ भी बना हुआ है। इस ब्रिज की चौड़ाई 25.8 मीटर की है। इस ब्रिज में टोटल 52 स्टे केबल्स का यूज किया गया है। इस ब्रिज की दोनों साइड के अप्रोच के साथ में टोटल लंबाई 426 मीटर है। इस ब्रिज के दोनों पिलर्स के बीच का जो स्पैन है, जो कि झील के ऊपर केबल के सहारे लटका हुआ है, इसकी लंबाई 233 मीटर है। शहर में ट्रैफिक बढ़ने के कारण तेलंगाना सरकार ने इस पुल को बनवाया। इस पुल के बनने के बाद 40 से 60 मिनट का सफर अब केवल 10 मिनट का रह गया है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन L&T ग्रुप ने किया है। इस ब्रिज को बनाने में 180 करोड़ रुपयों की लागत आई। ये ब्रिज मार्च 2019 में बनना शुरू हो गया और मात्र 18 महीने में बनकर तैयार भी हो गया। सितंबर 2020 में ये ब्रिज लोगों के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज के केबल और पिलर्स पे लाइट लगाई गई है, जिससे रात में ये ब्रिज और भी खूबसूरत लगता है। इस ब्रिज का उद्घाटन बहुत ही धूमधाम से किया गया और इस ब्रिज पर लाइट शो भी किया गया।